जी हाँ, अहम सवाल अब ये कि त्रिपुरा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर पर अक्सर राष्ट्रीय चैनल्स की निगरानी होती है और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज किस तरह से पल पल की कवरेज आपके सामने। अब ये नाम सामने उभर कर आ रहा है, बिप्लव देव का नाम सामने उभर कर आ रहा है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, बताइए बिप्लव देव के बारे में। ये देखिए, बिप्लव देव प्रदेश अध्यक्ष हैं त्रिपुरा के, और पिछले चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो झारू हैं, युवा हैं, अभी उनकी उम्र मुश्किल 45 साल है, और पूरे कैंपेन के दौरान अमित शाह उनके संपर्क में रहे थे। अमित शाह के साथ वो पूरे कैंपेन के दौरान रहे थे। अमित शाह ने पूरी रणनीति तैयार की थी त्रिपुरा में विजय की, और उसके पीछे जो फीडबैक था, जो इनपुट थे, वो बिप्लव देव के थे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और तकरीबन 5,000 वोट से अपनी मणिपुर सीट से वो आगे भी चल रहे हैं। शाम को जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें पर्यवेक्षकों का ऐलान होगा, जो पर्यवेक्षक जाके विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगवाएंगे। हमारे सूत्र बीजेपी के भीतर ये बता रहे हैं कि बिप्लव देव जिन्होंने जो इस जीत के मुख्य रणनीतिकार हैं, वो ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विकास भदौरिया बता रहे थे बिप्लव देव का आखिर क्या मुकाम है और क्या मुकाम है, इसकी एक झलक हमें मिली थी पूर्वोत्तर के जो प्रभारी हैं राम माधव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।